फॉर्मूला 44 वर्क लाइफ बैलेंस रेजिमेन के तहत आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। हमने कुछ वीडियोस ऐसे बनाने शुरू किए हैं जो भगवद गीता के प्रचलित श्लोकों पर आधारित हैं। अंग्रेजी में हमने करीब 10-11 वीडियोस बनाए हैं। हमने सोचा कि क्यों नहीं हिंदी में भी कुछ ऐसे श्लोकों को लेकर उन पर प्रयोग किए जाएं। तो आज मैंने जिस श्लोक को चुना है वह मेरा अत्यंत फेवरेट श्लोक है, 7वें अध्याय के 7वें श्लोक। मत्तः परतरम नान्यात् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणि गणा इव। हम तो भगवान को मानते हैं, भगवान को जानते हैं काफ़ी हद तक, और भगवान में विश्वास करते हैं, और कोशिश रहती है कि हमारी भक्ति बढ़ती जाए दिन प्रतिदिन, और हमें अपने समस्याओं का समाधान वहीं दिखता है। अन्यथा हमारा जो अनुभव है वो ये कहता है कि संसार को समझना और उसकी समस्याओं का निदान कर पाना अपने बलबूते पर असंभव सा है। और शास्त्र को हमने पढ़ा, गुरु जनों से हमने शिक्षा ग्रहण की, और हम सबका यही मानना है कि जी हाँ, हमें एक गुरु की आवश्यकता है जो हमें जीवन का उद्देश्य बतला सके, जो हमें यह बतलाए कि यह संसार जो है एक प्रिजन हाउस है, एक कारागार है जिसमें हम बंधे हुए हैं। बहुत सारे बंधन हैं हमारे, लेकिन हमें खुश रहना है, हमें इस संसार को समझकर अपनी जीवन यात्रा को सफल बनाना है। तो हम लोगों ने समझा कि हमारा उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति है, भगवान की प्राप्ति है। भगवान के 3 रूप हैं, एक ब्रह्म रूप जिस रूप में भगवान कण कण में व्याप्त हैं, जिसे निर्गुण निराकार निर्विशेष कहते हैं, और एक रूप है जिसमें भगवान हमारे हृदय में निवास करते हैं परमात्मा के रूप में, और भगवान का एक रूप है जब भगवान हमारे बीच आते हैं राम बनकर कृष्ण बनकर। तो सबसे उत्तम भगवान की भक्ति मानी गई। हम राम और कृष्ण भगवान के जो सगुण साकार स्वरूप है उसका चिंतन मनन ध्यान पूजन करें, और भगवान को अपना मित्र माने। कोई भी संबंध बना सकते हैं उनके साथ, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो विद्या, सब कुछ तुम्ही हो। तो इतना समझ लिया हमने कि भगवान की प्राप्ति करनी है। अब इस श्लोक पर आते हैं, मत्तः परतरम नान्यात्। तो 7वें अध्याय में जब भगवान कृष्ण अपने विषय में अर्जुन को बतलाना शुरू करते हैं, तो इस श्लोक में कहते हैं कि मेरे से ऊपर बढ़कर कोई नहीं है। जैसे हम अपने पिता को जानते हैं, उनके पिता को जानते हैं, अपने दादाजी को, ग्रैंडफादर को, उनके पिताजी को भी कुछ लोगों ने देखा होगा, ग्रेट ग्रैंडफादर को, लेकिन उनके पिता भी तो रहे होंगे, और ऐसे चलते चले जाएं तो यह क्रम कहाँ आरंभ हुआ उसका पता नहीं चलता। तो कहते हैं कि चलते चले जाइए, मनु के पिता ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भगवान विष्णु से, और भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के रूप हैं। भगवान कृष्ण के ऊपर कौन, कोई भी नहीं, उन्हें ही गॉड कहते हैं, सुप्रीम कहते हैं, अल्लाह कह लें, खुदा कह लें, जो भी नाम दे दें भगवान का, सत श्री अकाल, अहूर माजदा, लेकिन भगवान एक हैं। हम उस भगवान को
कृष्ण कहते हैं, और बाकी जितने सारे भगवान हैं वो कृष्ण के ही रूप हैं, लेकिन उनमें कुछ वो छुपाकर अपनी क्वालिटीज को रखते हैं। तो उस भगवान के ऊपर श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी नहीं है। मत्तः परतरम नान्यात किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वम इदं प्रोतम। फिर बोलते हैं कि मैं हर वस्तु में व्याप्त हूँ, सब में व्याप्त हूँ, कण कण में व्याप्त हूँ। और यही तो हमने सीखा कि भगवान का एक रूप जो है ब्रह्म का, उस ब्रह्म रूप में भगवान कण कण में व्याप्त हैं। दूसरा, परमात्मा के रूप में वो हमारे हृदय में बसे हुए हैं। और तीसरा, भगवान बनकर, राम कृष्ण बनकर हमारे बीच आते हैं, लीलाएं करते हैं और हमें आनंदित करते हैं और हमको अपनी ओर खींचते हैं। हम उनको पाना चाहते हैं ताकि हम अपनी समस्याओं का निदान कर सकें और आनंद प्राप्ति कर सकें। तो बड़ा ही सुंदर उन्होंने इस श्लोक में कहा कि मैं सब कुछ में कैसे गूंथा हुआ हूँ, कैसे मैं सब कुछ में हूँ। वैसे ही जैसे जो मोतियाँ हैं एक माला में गूंथी हुई हैं, जैसे एक धागा को लेकर उसमें मोतियाँ पिरोते हैं तो वो एक माला बन जाती है। तो श्री कृष्ण वही कह रहे हैं कि मैं उस माला की तरह हूँ और ये जितने कुछ हम देख रहे हैं सब मुझ में ही गुथे हुए हैं। तो भगवान ही यह संसार बन जाते हैं, भगवान ही मटेरियल क्रिएशन उन्हीं के द्वारा है, और स्पिरिचुअल स्पार्क जो हमारे अंदर जिसे हम आत्मा कहते हैं वो भी उन्हीं का अंश है। तो यही बात रामायण में कही गई, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। हनुमान जी को सब कुछ राम में दिखता है, वह सब कुछ में भगवान को देखते हैं, राम को देखते हैं और प्रणाम करते हैं अपने दोनों हाथों को जोड़ कर। वैसे ही अगर हम सृष्टि को समझें, भगवान की सत्ता को समझें, अपनी आत्मा को समझें, भगवान की माया शक्ति को समझें, तो हमें भी इस श्लोक को आत्मसात करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो सातवें अध्याय का यह सातवां श्लोक बड़ा ही उत्तम है और कई लोगों के फेवरेट श्लोक यह श्लोक होगा। और आइए हम इस श्लोक को समझकर, इसका चिंतन करके फॉर्मूला 44 में जो ध्यान की विधि है उसमें बैठकर, पद्मासन में बैठकर आँखों को बंद करके इस श्लोक का अर्थ को समझने का कोशिश करेंगे और भगवान से जुड़ने की कोशिश होगी और इस तरह से हम अपने अध्यात्म की यात्रा को बढ़ाते चलें। इन्हीं शब्दों के साथ अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। टेक केयर, धन्यवाद।